नमस्कार, बहुत स्वागत। अब खबरें विस्तार से। अरविंद केजरीवाल के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपना घर देखें, हमारा घर बहुत मजबूत है। दो लोग अपना घर पहले देख लें, हम लोग का घर मजबूत है, हम लोग की चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। वो लोग अपना घर पहले देख लें, हम लोग का घर मजबूत है, हम लोग की चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। इधर कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर तंज कसा है। धनंजय ठाकुर ने कहा कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। प्रधानमंत्री इस चुनाव में परमानेंट रिटायर्ड होने वाले हैं। नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस बार जनता ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को परमानेंट रिटायरमेंट देना है और केंद्र में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पूरे देश में मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ आक्रोश है और इस प्रकार से जो आक्रोश है, इससे निश्चित तौर पर मोदी जी चाहे 75 पार कर ले या 80 पार कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ना है। पर जनता ने रिटायरमेंट देने का मन बना लिया है और मोदी जी रिटायर होने जा रहे हैं 4 जून को। इधर आत्मानंद स्कूल पर सियासत जारी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बार बार जिस बात का आरोप लगा रही है वो सरासर गलत है। आत्मानंद को पीएमश्री योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत स्कूल को केंद्र से फंड मिलेगा जिससे यहां के शिक्षकों और बच्चों को फायदा होगा। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विजय बघेल ने कहा कि कांग्रेस की झूठ की इमारत ढह गई है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के लिए किसी तरह के बजट का प्रावधान नहीं किया था। स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए, केंद्रीय फंड का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो आरोप अभी लगा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो पता नहीं बिना सोचे समझे, बिना किसी से जानकारी लिए अपनी मनगढ़ंत बातें छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार साधु संतों का अपमान करती है। स्वामी आत्मानंद जो नाम दिया गया उसको हटा रहे हैं, सरासर झूठ है, गलत है और ये फर्जी आदमी हमेशा फर्जी बात करता है। इधर अंबिकापुर में निगम कर्मियों से मारपीट हुई है। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई थी, उस दौरान ये पूरा विवाद हुआ। नजूल की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची हुई थी। वार्ड 3 में डेयरी फार्म के पास ये बेजा कब्जा था और इसे हटाने के लिए जब टीम पहुंची तो विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। गांधीनगर थाना इलाके का पूरा मामला है। बिल्डिंग मटेरियल हटाने पर यह विवाद शुरू हुआ जो लगातार बढ़ता चला गया और फिर निगम कर्मियों से मारपीट की नौबत आई। महादेव सट्टा केस में बड़ा खुलासा। आरोपी अर्जुन यादव ने यह खुलासा किया है कि 200 से ज्यादा बैंक अकाउंट में के जरिए लेनदेन किया गया। बैंक अकाउंट में रखे गए 3 करोड़ फ्रीज कराए गए हैं। 20 से ज्यादा पैनल खुद ये जो अर्जुन है ये आरक्षक है, दरअसल ये संचालित किया करता था। इसका एक भाई भीमा यादव वो पहले गिरफ्तार हो चुका है। इधर रीवा जिले के चाकघाट थाना प्रभारी आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। ताजा मामला पड़री गांव का है। यहां चाचा और भतीजे में विवाद हो गया। भतीजा रिपोर्ट करने थाने आया तो उसे 2 दिन तक चक्कर लगवाया गया। तीसरे दिन खुद थाना प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी ने फरियादी को फोन कर धमकाया और जूता मारने की धमकी दी। पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पूरी घटना का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। पूरे मामले की फरियादी ने त्योथर SDOP से शिकायत की है। की ऐसी की तैसी सुन ले तू अब अच्छे से और रिकॉर्ड भी कर ले, है ना। मेरे का फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का, फालतू बकवास ना कर। तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा होगा, तू आएगा मेरे सामने 2 जूते मैं मारूंगी तुझे। तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी सुन ले तू अब अच्छे से और रिकॉर्ड भी कर ले, है ना। मेरे का फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का, फालतू बकवास ना कर। तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा होगा, तू आएगा मेरे सामने 2 जूते मैं मारूंगी तुझे। मैडम मेरी FIR लिखी जाए,
तो मुझे अब हर तरीके से गाली दी, जूता मारने की बात कही कि तुझे थाने आएगा तो जूते से मारूंगी और तू मर भी जाएगा तो तेरी कंप्लेन नहीं लिखूंगी। साथ में नेताओं को भी और साथ में जो राजनीतिक पार्टी, जबकि मैंने किसी नेता का ना कोई नाम लिया ना ये बोला नेता, पूरी बात की रिकॉर्डिंग भी निकाली जा सकती है तो पुलिस प्रशासन के पास राइट भी है, तो ये भी बोला मुझे किसी नेता से का फर्क नहीं पड़ता, यही प्योर शब्द थे। और तेरे नेताओं वो भी मेरे कार्यालय भी आया था, उसने अपनी व्यथा बताई है, कुछ पारिवारिक विवाद को लेकर के, उनके पारिवारिक इश्यूज को लेकर के उनमें वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। और जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं तो इस मामले को देखा जाएगा, इसकी तस्दीक की जाएगी कि उस मामले में किसकी बातचीत चल रही है और क्या हो रहा है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब बात